अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी माय न्यू ब्लॉग। आज 27वीं शब है, बड़ी रात है, शब कदर। मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद रिजवान, जो न्यू कराची में है, और वहाँ एक बहुत बड़ी तकरीब है, एक महफिल नात है, अवार्ड का प्रोग्राम है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि बड़ी रात के हवाले से कि 27वीं शब जिसमें पाकिस्तान भी हमें मिला, और ये बहुत बड़ी रात है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर कोई किसी से नाराज़ है, बच्चे माँ बाप से नाराज़ हैं, माँ बाप बच्चों से नाराज़ हैं, तो भाई बहन आपस में नाराज़गियाँ हैं, झगड़े हैं, तो गुजारा इस रात में मिल लीजिए, इस रात में गिले शिकवे ख़त्म करें, एक हो जाएं। आगे फिर ईद है, अल्लाह ताला इसको आपको ज़रूर अजर देगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं आज की तकरीब इंशाल्लाह। जी प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए और घर की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो हर साल होता है 27वीं शब को, ख़त्मे कुरान की तकरीब होती है, माशाल्लाह इसमें महफिल नाद भी हुई। इसमें साबिक वफाकी वज़ीर हाजी नीफ तैयब, साबिक चेयरमैन जिला सेंट्रल रियान हाशमी और ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। ये महफिल खुसूसन जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के मखसूस फराज की जानिब से, उनकी मस्जिद की कमेटी की जानिब से की गई थी, और माशाल्लाह बहुत रौनक महफिल थी। मैं अपने ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।